क्या आपने कभी कल्पना की है कि काश आप दौलतमंद बन जाएं और विलासिता का जीवन जिए। दौलत ज्यादातर लोगों को दूर का ख्वाब लगती है, लेकिन इतिहास में ऐसे स्त्री पुरुषों के असंख्य उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों के दम पर गरीबी की गहराइयों से बाहर निकले हैं और भारी दौलत की मंजिल पर पहुंचे। क्या आपको लगता है कि आप तकदीर की वजह से गरीबी में रहने के लिए अभिशप्त हैं? शेक्सपियर की बात को थोड़ा बदलकर कहें तो कुछ लोग दौलतमंद पैदा होते हैं, कुछ दौलत हासिल करते हैं और कुछ पर दौलत थोप दी जाती है। कुछ लोगों का सौभाग्य था कि उनके माता पिता दौलतमंद थे जिन्होंने उन्हें वे तमाम चीजें दीं जो पैसों से खरीदी जा सकती थीं। लेकिन इनमें से कई लोगों ने अपने गलत निर्णयों से अपने माता पिता की दौलत गंवा दी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर दौलत थोप दी जाती है। जब उनकी लॉटरी लग जाती है या उन्हें अप्रत्याशित रूप से ढेर सारा पैसा मिल जाता है, लेकिन शायद हम में से ज्यादातर इतने भाग्यशाली नहीं हैं। अगर हमें दौलतमंद बनना है तो हमें अपनी खुद की बुद्धि, मेहनत, सृजनात्मकता और समर्पण के जरिए दौलत हासिल करनी होगी। याद रखें, हम में से कोई भी भाग्य या दुर्भाग्य से गरीब रहने के लिए अभिशप्त नहीं है। दौलत हम सबके चारों तरफ है और इसे हासिल करने के लिए हमें तो बस इतना करना है कि हम दौलत तक ले जाने वाले रास्ते को खोज लें और फिर उस पर चलें। अमीर बनने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है। अमीरी की इच्छा दरअसल ज्यादा समृद्ध, ज्यादा पूर्ण और ज्यादा प्रचुर जीवन की इच्छा है, और यह एक प्रशंसनीय इच्छा है। जो लोग ज्यादा समृद्ध भरा जीवन जीने की इच्छा नहीं रखते हैं वे असामान्य हैं। यानी जिन लोगों में अपनी मनचाही सारी चीजें खरीदने की इच्छा नहीं होती हैं वे असामान्य हैं। जब आप असीमित की दौलत का आनंद ले सकते हैं तो कम से संतुष्ट क्यों रहें? इस पुस्तक में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे और अगर आप इसमें बताए तरीकों पर अमल करते हैं तो आपके पास हमेशा अतिरिक्त धन रहेगा। अमीर बनने की आपकी इच्छा ज्यादा पूर्ण, ज्यादा सुखी और ज्यादा अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे संसार की ऐसी इच्छा है जो अच्छी है, दरअसल बहुत अच्छी है। पैसे के सच्चे महत्व को समझना शुरू करें। यह विनिमय का प्रतीक है। यह आपको अभाव से स्वतंत्रता देता है। यह आपको सौंदर्य, विलासिता, प्रचुरता और परिष्कार देता है। कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। इसका एक कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं या फिर उनके मन में यह विश्वास होता है कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, या ऐसी ही दूसरी गलत फहमियां रहती हैं। उनके समृद्ध न होने का एक और कारण यह गुप्त अवचेतन में छिपा भाव रहता है कि गरीबी में रहना सद्गुण है या इसमें कोई अच्छी बात है। यह भाव बचपन की परवरिश से आ सकता है, अंधविश्वास से आ सकता है या धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह यह भी एक रोग है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके साथ कोई गड़बड़ है और आप इस बारे में तुरंत मदद लेना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे। इसी तरह अगर पैसा आपके जीवन में लगातार प्रवाहित नहीं हो रहा है तो यह मान लें कि आपके साथ कुछ बुनियादी गड़बड़ है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी झुग्गी में रहें या भूखे रहें। ईश्वर तो यह चाहता है कि आप खुश और समृद्ध रहें। ईश्वर हमेशा अपने सारे कामों में सफल होता है, चाहे वह तारे बनाना हो या सृष्टि। पैसे के बारे में सारे अंधविश्वासों को तुरंत बाहर कर दें। पैसे को कभी बुरा या गंदा ना माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके पंख लग जाएंगे और यह आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे आप खो देते हैं। यह पूरी तरह सही है कि आप में अमीर बनने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप ऐसा किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। यह भी पूरी तरह सही है कि आप अपनी आर्थिक और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति की प्रोग्रामिंग करें। यह अपने प्रति, ईश्वर के प्रति और मानवता के प्रति आपका कर्तव्य है, क्योंकि खुद को अधिकतम बेहतर बनाने से बड़ी कोई दूसरी सेवा नहीं है। इस वक्त कुछ लोग हैं, और दरअसल ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, जो गरीबी को अपनी तकदीर मानते हैं, और इसी गरीबी की मानसिकता को तोड़ना हम इस किताब में जानेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, दौलत की मास्टर चाबी।
अमीरी के विचार अमीरी उत्पन्न करते हैं और गरीबी के विचार गरीबी उत्पन्न करते हैं। मैं जानता हूं कि गरीबी की हालत में रहते हुए समृद्धि और दौलत के बारे में सोचना काफी मुश्किल होता है और इसमें काफी प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैं यह भी जानता हूं कि यह काम ईमानदारी और अखंडता से किया जा सकता है। इसके लिए इस निरंतर विश्वास की जरूरत होती है कि यह विचार साकार होगा। जो भी इंसान इस अनुशासित विचार का अभ्यास करता है वह देर सबेर लेकिन हमेशा दौलत हासिल करेगा। गरीब होना एक रोग है, यह एक मानसिक नजरिया है। एक युवा महिला बहुत अच्छी लेखिका थी जिसके कई लेख प्रकाशन के लिए स्वीकार हो गए थे। उसने एक बार ऑथर से कहा, मैं पैसे के लिए नहीं लिखती हूं। मैंने उससे कहा, पैसे के साथ क्या गलत है? यह सच है कि आप पैसे के लिए नहीं लिखती हैं, लेकिन यह मेहनत कीमत की हकदार है। आप जो लिखती हैं वह दूसरों को प्रेरित करता है, ऊपर उठाता है और प्रोत्साहित करता है। जब आप सही नजरिया अपना लेती हैं तो आर्थिक भुगतान अपने आप खुलकर आपकी ओर आएगा। वह सचमुच पैसे को नापसंद करती थी। एक बार तो उसने पैसे को गंदा पैसा तक कहा। मुझे लगता है कि यह बचपन की याद होगी जब उसने अपनी माँ या किसी दूसरे के मुंह से सुना होगा कि पैसा बुरा है या पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, और यह सब बिना सोचे समझे। यह कहना अंधविश्वास है कि पैसा बुरा या गंदा है। इस महिला का अवचेतन नक्शा यह था कि गरीबी में किसी न किसी तरह का सद्गुण है। ऐसा नहीं है, यह एक बीमारी है, एक रोग है। मैंने उसे समझाया कि सृष्टि में कोई बुराई नहीं है। अच्छाई और बुराई लोगों के विचारों तथा प्रेरणाओं में होती है। सारी बुराई जीवन की गलत व्याख्याओं और मन के नियमों के दुरुपयोग से आती है। यहाँ वह सरल तकनीक दी जा रही है जिसका इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी दौलत को कई गुना बढ़ाया है। मेरी लेखनी लोगों के दिलो दिमाग को वरदान देने, उपचार करने, प्रेरित करने, ऊपर उठाने और गरिमामय बनाने के लिए आगे बढ़ाती है। मुझे अद्भुत तरीके से दैवी प्रतिफल मिलता है। मैं पैसे को दैवी वस्तु मानता हूं क्योंकि हर चीज एक ही आत्मा से बनी है। मैं जानता हूं कि पदार्थ और आत्मा एक हैं। पैसा मेरे जीवन में लगातार प्रवाहित हो रहा है और मैं बुद्धिमानी से तथा सृजनात्मक तरीके से इसका इस्तेमाल करता हूं। पैसा मेरी ओर स्वतंत्रता से, खुशी से और अंतहीन रूप से प्रवाहित होता है। पैसा ईश्वर के मन में मौजूद एक विचार है, यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। यह एक अद्भुत प्रार्थना है। यह इस बेहुदा अंधविश्वास को खत्म कर देती है कि पैसा बुरा है या गरीबी में कोई सगुण है या ईश्वर हमें गरीबी में रखना चाहता है। यह सिर्फ घोर अज्ञान है। इन प्रार्थनाओं को लेख लिखने वाली युवती ने अपनाया। उस पैसे के प्रति इस युवती के बदले नजरिए ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। यह आपके जीवन में भी चमत्कार कर देगा। उसने इस अजीब अंधविश्वास को पूरी तरह से मिटा लिया कि पैसा गंदा या बुरा था। उसे एहसास हो गया कि पैसे की निंदा की वजह से ही पैसा उसके पास आने के बजाय उससे दूर भाग रहा है। दोस्तों, जब गरीब होने के विचार आपके मन में आए, जैसे मैं इस यात्रा का खर्च नहीं उठा सकता हूं, या मैं बैंक का यह कर्ज नहीं चुका सकता हूं, या मैं इस बिल का भुगतान नहीं कर सकता हूं, तो कभी भी नकारात्मक आर्थिक कथन पूरा ना करें। अपने मन में तुरंत सोचकर इसे उलट लें, ईश्वर मेरी त्वरित और अनवरत आपूर्ति है और दैवी व्यवस्था के तहत बिल चुकाया जाता है। अगर कोई नकारात्मक विचार आपके मन में एक घंटे में 50 बार आए तो हर बार यह सोचकर और कहकर इसे उलट लें कि ईश्वर मेरी त्वरित आपूर्ति है जो इस वक्त मेरी जरूरत पूरी करता है। कुछ समय के बाद आर्थिक आवश्यकता का विचार सारी गति खो देगा और आप अपने अवचेतन को दौलत का आदि बना देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई नई कार देखें तो कभी यह ना कहें कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूं या मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता हूं। आपका अवचेतन आपकी बात को सच मान लेता है और आपकी सारी भलाई को रोक देता है। इसके विपरीत खुद से कहें, यह कार बेचने के लिए है, यह एक दैवी विचार है और मैं इसे दैवी प्रेम के जरिए दैवी व्यवस्था में स्वीकार करता हूं। यह दौलत की मास्टर चाबी है। किसी भी सच्चे इंसान के लिए यह असंभव है कि वह इस तकनीक का अभ्यास करे और उसे अपने आगामी जीवन में अपनी जरूरत की सारी दौलत ना मिले, तो इसका अनुसरण करें। ध्यान रखें कि इस तरह आप धन संपत्ति के नियम को सक्रिय कर रहे हैं। यह आपके लिए भी उसी तरह काम करेगा
जिस तरह किसी दूसरे के लिए करता है। मस्तिष्क का नियम लोगों में भेदभाव नहीं करता है। आपके विचार ही आपको दौलतमंद या गरीब बनाते हैं। यहीं और इसी समय जीवन में अमीरी को चुने। चैप्टर नंबर 2 है, अपनी इच्छा का एहसास करें। इच्छा ईश्वर का उपहार है। इच्छा आपको आगे की तरफ धक्का देती है। यह कर्म की प्रेरणा देती है। यह सारी प्रगति का कारण होती है। सेहत, खुशी, सच्ची जगह, प्रचुरता और सुरक्षा की आपकी इच्छा, ये सब आपके भीतर असीमित के संदेश वाहक हैं, जो आपसे कह रहे हैं, ज्यादा ऊपर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा सारी प्रगति का कारण होती है। यह आपके भीतर के जीवन सिद्धांत का प्रगतिशील धक्का है। किसान खुद के और अपने परिवार के लिए भोजन हासिल करने की इच्छा की वजह से बीज बोते हैं। हम हवाई जहाज और स्पेसशिप इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे मन में समय और आकाश को जीतने तथा संसार का अन्वेषण करने की इच्छा होती है। इच्छा असीमित का प्रगतिशील धक्का है जो हमें कोई ऐसी चीज बताता है जिसे स्वीकार करने पर हमारा जीवन ज्यादा पूर्ण और आनंददायक हो जाएगा। इच्छा से जितने ज्यादा लाभ की अपेक्षा होती है, हमारी इच्छा उतनी ही ज्यादा प्रबल होती है। जहां कोई लाभ, फायदा या तरक्की नजर नहीं आती है, वहां कोई इच्छा नहीं होती है। फलस्वरूप कोई कर्म भी नहीं होता है। ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। मन जो भी सोच सकता है, वह सब असीमित मन की संभावित वास्तविकता में मौजूद होता है। ईश्वर ने हमें वे सारी चीजें दी हैं जो धरती पर हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। ईश्वर ने हमें हर उस चीज की प्रचुरता दी है जो सुखद उपलब्धि का आनंद लेने के लिए आवश्यक है। अपने मन के बाग में बीज बो दें। एक उदार, इच्छुक, मार्गदर्शक, रक्षात्मक, दैवी शक्ति का विचार रखें। वह बीज आपकी भावना से पोषण पाएगा, पाने की अपेक्षा से पोषण पाएगा, और यह आपके अस्तित्व की गहराई में अंकुरित होगा और कई गुना होकर आपके संसार में प्रकट हो जाएगा। यह इतने गुना हो जाएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा और दिल में कल्पना भी नहीं की होगी। सच कहें तो कोई इच्छा बुरी नहीं होती है, लेकिन आप अपने भीतर उठने वाली इच्छा की गलत व्याख्या कर सकते हैं या उसे गलत दिशा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप गरीब हैं तो आप दौलत की इच्छा करते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप स्वास्थ्य की इच्छा करते हैं। सेहत आपकी तारणहार होगी। अगर आप जेल में हैं तो आजादी आपकी उद्धार करने वाली होगी। अगर आप रेगिस्तान में प्यास से मर रहे हैं तो पानी आपको जीवन दान देगा। आपकी इच्छा की पूर्णता आपकी तारणहार है। आप प्रेम, साहचर्य या शायद सच्चे स्थान की इच्छा कर सकते हैं। जो व्यक्ति दौलत की इच्छा करता है, वह अज्ञान में किसी बैंकर की हत्या करके या किसी दुकान को लूटकर उस इच्छा या आकांक्षा को पूरा कर सकता है। यह इच्छा की गलत दिशा है, इसलिए वह व्यक्ति जेल जा सकता है और उस पर हत्या का मुकदमा चल सकता है। इसीलिए आप अपनी हर इच्छा को एक सही दिशा देना सीखें, तभी आपका जीवन एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 3 है, अपने अवचेतन की प्रोग्रामिंग करना। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से दौलत कैसे कमा सकते हैं, यह समझने के लिए आइए ज्यादा सावधानी से जांच करते हैं कि यह कैसे होता है। मान लें कि कोई मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक आपको सम्मोहित कर देता है। इस अवस्था में आपका चेतन, तार्किक मन शिथिल हो जाता है। अब आपका अवचेतन सुझाव ग्रहण करने के लिए अनुकूल स्थिति में होता है। फिर वह आपको सुझाव देता है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपका अवचेतन इस कथन को सच मान लेगा। आपका अवचेतन तर्क नहीं करता है, चुनाव नहीं करता है, भेद नहीं करता है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका चेतन मन करता है। आप महत्व और गरिमा के वे सारे हाव भाव ओढ़ लेंगे जो आप राष्ट्रपति पद के अनुरूप मानते हैं। इसी तरह अगर आपको पानी का एक गिलास दिया जाता है और यह बताया जाता है कि आप मदहोश हो चुके हैं, तो आप अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता से शराबी की भूमिका निभाएंगे। यदि आप मनोविश्लेषक को बताते हैं कि आपको टिमोथी घास से एलर्जी है और वह आपकी नाक के नीचे साफ पानी का एक गिलास रखकर आपको उसी समय बताता है कि यह टिमोथी घास है, तो आप में एलर्जी के सारे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। दैहिक और शारीरिक प्रतिक्रियाएं वैसी ही होंगी जैसी टिमोथी घास होने पर होती है। अगर आपको बताया जाता है कि आप एक भिखारी हैं, तो आपका व्यवहार तुरंत बदल जाएगा और आप एक दीनहीन याचक का नजरिया अपना लेंगे जिसके हाथ में टिन का काल्पनिक कटोरा है।
संक्षेप में आपको मूर्ति, कुत्ता, सैनिक या तैराक कुछ भी होने का यकीन दिलाया जा सकता है। आप दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुरूप वह भूमिका आश्चर्यजनक निष्ठा से निभाएंगे, जहां तक कि सुझाई गई चीज के बारे में आपको ज्ञान होगा। बचपन से हम में से ज्यादातर लोगों को कई नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। नकारात्मक प्रोग्रामिंग बेहतर शब्द होगा। हम यह नहीं जानते थे कि उन्हें अस्वीकार या विफल कैसे करें, इसलिए हमने उन्हें अचेतन रूप से स्वीकार कर लिया है। यहां कुछ नकारात्मक सुझाव हैं जिनका परिणाम आपके अवचेतन मन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग में हुआ। आपको यह बताया गया था, ओह तुम यह नहीं कर सकते हो, शायद किसी ने आपसे कहा था तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। अब आप हीन भावना के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा था तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारे सफल होने की कोई संभावना नहीं है, तुम सरासर गलत हो, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम क्या जानते हो, यह मायने नहीं रखता है। मायने तो यह रखता है कि तुम किसे जानते हो। संसार रसातल को जा रहा है, क्या फायदा होना है, किसी को परवाह नहीं है, इतनी कड़ी कोशिश करने का क्या फायदा है। बाकी ने आपसे कहा था, ओह अब आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, इसे भूल जाइए, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, चीजें बदतर हो रही हैं, जीवन एक अंतहीन चक्की है। बाकी ने आपसे कहा था प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, आप किसी हालत में नहीं जीत सकते हैं, बहुत जल्दी ही आप दिवालियां हो जाएंगे, सावधान रहें आपको वायरस लग जाएगा, आप किसी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन सभी नकारात्मक सुझावों को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बहुत नकारात्मक तरीके से कर रहे हैं। आपने हीन भावना, अक्षमता और डर का एहसास विकसित कर लिया है। जब तक कि आप वयस्क के रूप में अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग सृजनात्मक तरीके से नहीं कर लेते हैं, जो दोबारा कंडीशनिंग की मनोचिकित्सा है, तब तक अतीत में आप पर छूटी छाप आपसे ऐसे काम करा सकती है जो आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफलता उत्पन्न करेगी। प्रोग्रामिंग ढेर सारी नकारात्मक शाब्दिक कंडीशनिंग से आपको छुटकारा दिलाने का साधन है, जो आपके जीवन के सांचे को विकृत कर सकती है, जिससे अच्छी आदतें डालना मुश्किल हो जाता है। किसी भी दिन का अखबार उठा लें, आपको दर्जनों खबरें मिलेंगी जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव और आसन्न विनाश के बीज बो सकती हैं। अगर आप इन्हें स्वीकार कर लें तो डर के इन विचारों की वजह से आपकी जीने की इच्छा भी खत्म हो सकती है। आप अपने अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर इन सभी नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि आप इन सभी विनाशकारी विचारों को प्रभावहीन कर सकते हैं। लोग आपको जो नकारात्मक सुझाव देते हैं उनकी नियमित जांच करें। आपको विनाशकारी नकारात्मक सुझावों से प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक हम सभी इसके शिकार हुए हैं। अगर आप पीछे पलट कर देखें तो आपको आसानी से याद आ सकता है कि किस तरह माता पिता, मित्रों, रिश्तेदारों, शिक्षकों और साथियों ने नकारात्मक सुझावों के अभियान में अपना योगदान दिया था। आपसे कही गई बातों का अध्ययन करें और आप पाएंगे कि इसमें से ज्यादातर नकारात्मक थीं। उनमें से ज्यादातर बातों का उद्देश्य आपको नियंत्रित करना था या फिर आप में डर भरना था। नकारात्मक सुझाव हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में दिए जाते हैं। देखिए, अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने का एक सही तरीका है। हर सुबह आप स्थिर, शांत, तनाव रहित होकर बैठ सकते हैं और इस तरह के दृढ़ कथन कह सकते हैं, दैवी नियम और योजना मेरे जीवन को शासित करती है, दैवी सही क्रिया सर्वशक्तिमान है, दैवी सफलता मेरी है, दैवी सौहार्द मेरा है, दैवी शांति मेरी आत्मा को भरती है, दैवी प्रेम मेरे समूचे अस्तित्व को सराबोर करता है, दैवी प्रचुरता मेरी है, दैवी प्रेम आज और हर दिन मुझसे आगे जाता है और मेरी राह को सीधी, आनंददायक तथा भव्य बनाता है। चैप्टर नंबर 4 है निर्णय की अद्भुत शक्ति। सभी सफल स्त्री पुरुषों में एक असाधारण गुण होता है और वह है तीव्र निर्णय लेने की शक्ति और उन निर्णयों पर लगन से अमल करके पूर्णता तक पहुंचाने की काबिलियत। एक मशहूर उद्योगपति ने एक बार मुझे बताया था कि वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों के साथ काम करने के 50 साल के अनुभव में उन्होंने यह पाया है कि जो लोग असफल हुए थे उन सभी में एक गुण आम था,
वे निर्णय लेने में झिझकते थे, वे ढुलमुल होते थे और इंतजार करते थे। इसके अलावा जब वे निर्णय ले लेते थे तो वे उन निर्णयों का पालन करने में लगनशील नहीं रहते थे। निर्णय लेने और चुनने की शक्ति किसी व्यक्ति का सबसे मुख्य गुण और सर्वोच्च विशेषाधिकार है। चुनने और चुनी गई चीज को शुरू करने की मानव जाति की क्षमता ईश्वर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक शक्ति को उजागर करती है। जो लोग निर्णय लेने में घबराते हैं या विकल्प चुनने में डरते हैं, वे दरअसल अपने खुद के देवत्व को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर हम सभी के भीतर वास करता है। चुनाव करना और निर्णय लेना आपका दैवी तथा ब्रह्मांडीय अधिकार है। आप स्वस्थ, प्रसन्न, समृद्ध और सफल होने का निर्णय ले सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन के आदेशों के अधीन रहता है, इसलिए आप जो भी आदेश देंगे यह उसका पालन करेगा। बाइबल में कहा गया है, इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा बोता है वैसा ही वह काटेगा। वह आकार, कार्य, अनुभव या घटना के रूप में संसार के पर्दे पर फसल काटेगा। आपके अवचेतन मन का नियम कोई पक्षपात नहीं करता है, प्रकृति का कोई भी नियम नहीं करता है। गर्म स्टोव पर हाथ रखना अतार्किक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। प्रकृति का नियम हर इंसान के लिए समान है। यदि वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो गलत परिणाम मिलेंगे, और अगर सही इस्तेमाल करेगा तो सही परिणाम मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 है, अनुशासित कल्पना के चमत्कार। कल्पना करना किसी चीज को सोचना और अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ना है। अवचेतन पर जिस भी चीज की छाप छोड़ी जाती है वह आकार, कार्य, अनुभव और घटना के रूप में संसार के पर्दे पर व्यक्त हो जाती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले आपको सफल व्यक्ति के रूप में अपनी कल्पना करनी चाहिए। इसी तरह यदि आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो पहले दौलतमंद व्यक्ति के रूप में आपको अपनी कल्पना करनी चाहिए। नियंत्रित कल्पना मानव जाति की आदिकालीन शक्तियों में से एक है। इसमें आपके विचारों को प्रक्षेपित करने और वस्त्र पहनाने की शक्ति है, जिससे वे संसार के पर्दे पर दिखने लगते हैं। मानव जाति एक आध्यात्मिक रूप से जागृत अस्तित्व है जो नियंत्रित कल्पना की शक्ति को जानती है। उम्र बढ़ने पर हम बुद्धिमत्ता और मन के नियमों का ज्ञान हासिल करते हैं। उम्र बरसों की उड़ान नहीं है, यह तो बुद्धिमत्ता की भोर है। कल्पना वह शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक, चित्रकार, भौतिक शास्त्री, आविष्कारक, वास्तुविद और रहस्यवादी युगों युगों से करते आ रहे हैं। जब संसार कहता है यह असंभव है, यह नहीं किया जा सकता, तो कल्पनाशील व्यक्ति कहता है यह किया जा चुका है। कल्पना वास्तविकता की गहराइयों को भेद सकती है और प्रकृति के रहस्य उजागर कर सकती है। शायद जब आप यह पढ़ते हैं तो आपका एक सपना होगा, एक आदर्श होगा, एक योजना होगी, एक उद्देश्य होगा जिसे आप हासिल करना चाहते होंगे, लेकिन मित्र, सहकर्मी और दूसरे आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, तुम यह नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। देखिए, आपके पास है। जो व्यक्ति लगातार असफल होता है उसके मन में असफलता की तस्वीर होती है। ओ हाँ, आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल दो तरीकों से कर सकते हैं। जाहिर है, शक्ति का इस्तेमाल दो तरीकों से कर सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और हमेशा इसका रोना रोता रहता है, उसके पास बीमारी और कमजोरी की तस्वीर होता है। जब भी आप बीमारी या असफलता की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन उसी अनुसार परिस्थितियां बना देता है। यह पाया गया है कि जो लोग लगातार असफल होते हैं उनके मन में असफलता की तस्वीर होती है और अवचेतन उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। सफलता की तस्वीर देखें, आप जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। शराबी जानते हैं कि अगर वे इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें या शराब छोड़ने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश करें तो यह उन्हें और पीने की दिशा में धकेलता है। मानसिक दबाव, शक्ति, इच्छा शक्ति आपको कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन जब वे संयम और मानसिक शांति पर मनन करते हैं और कल्पना करते हैं कि वे स्वतंत्र हैं और काम पर लौट गए हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं, तो वे खुद को लत से मुक्त कर लेते हैं और उनका उपचार हो जाता है। जाहिर है, इसके साथ ही उन्हें यह भी मानना होता है कि सर्वशक्तिमान उनके मानसिक चित्र को साकार करने में उनके साथ है। चैप्टर नंबर 6 है, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। कुछ साल पहले मैं एक स्टोर में था
जिसमें उन्होंने यह पेशकश रखी थी कि अगर आप शेविंग क्रीम के 2 ट्यूब खरीदेंगे तो आपको ब्लेड का एक पैकेट मुफ्त मिलेगा। देखिए, वे ब्लेड मुफ्त में नहीं दे सकते, जैसा आप जानते होंगे इसकी लागत पूरी कीमत में शामिल है। कम से कम यह कारोबार चलाने की सकल लागत में शामिल है या ग्राहक के शुल्क में है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको दौलत की कीमत चुकानी होगी। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसकी भी एक कीमत है। आप जिस भी चीज की इच्छा करते हैं उसके प्रति आपको ध्यान, समर्पण और निष्ठा देनी होगी। जाहिर है, फिर आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। कीमत है पहचान, कीमत है विश्वास। हमेशा कोई ना कोई कीमत चुकानी होती है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। किसान को फसल पाने के लिए जमीन में बीज बोने पड़ते हैं। उसे यह तय करना होता है कि उसे गेहूं, ओट या जौ, किसकी फसल पाना है। उसे निर्णय लेना होता है और मिट्टी में बीज बोना होता है। उसे पाने से पहले कुछ देना होता है। उसे मिट्टी को बीज देना होता है। पाने से पहले आपको अपने मन को देना होगा, आप दौलत पा सकें। इससे पहले आपको अपने अवचेतन मन पर दौलत के विचार की छाप छोड़नी होगी। अवचेतन पर जो भी छाप छोड़ी जाती है वह संसार के पर्दे पर व्यक्त होती है। आप जानते हैं, केवल चेतना के अधिकार द्वारा ही आपके पास चीजें होती हैं। आपको अपनी मानसिकता में अपनी मनचाही चीज का मानसिक समतुल्य बनाना होगा। आप स्वास्थ्य, दौलत, शांति, सद्भाव या जीवन में जो भी चाहते हो उस पर अपना ध्यान और समर्पण देकर ऐसा करते हैं, क्योंकि असीमित खजाना आपके भीतर है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको ये ऑडियो बुक थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आपसे मिलते हैं किसी और नए ऑडियो बुक के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।